आप यहाँ पे आए, इतने सारे लोगों से मिले, इतने सारे लोग, और इनको बहुत खुशी हुई क्योंकि आज जब यहाँ से जा रहे हैं तो एक तोहफा के तौर पर आपसे मुलाकात भी हो गई। वो धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, उनके धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो आप, इस देश बहुत तरह की समस्याओं से जूझ रहा है और आप करना भी चाहते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन आप इस तरह से इसके नाम पे इतनी नफरत आप फैलाते जाएंगे, हम तो सोचते हैं कि बच्चों का क्या होगा। ये तो पढ़े लिखे बड़े बच्चे जब इस तरह से, आप गुरुग्राम का देख के मुझे तो वो शहर ही नहीं लगता, वो क्या शहर है। उससे अच्छा तो ये किसानों का मोर्चा है कि जहाँ उसके खिलाफ लोग, आप 100 लोग कह भी रहे हैं कि हाँ जी गलत हो रहा है, है ना। तो ये चीज बहुत सीखने वाली बात है। तो मैं थोड़ा अपनी आंखों से उसको देखना चाहता था। अच्छा, कि जय जवान जय जवान किसान कीजिए, कि एक साल तक इस दौर में इतने कानून के खौफ, मीडिया का खौफ, सोशल मीडिया का खौफ, है ना, उसके उस दौर में कोई इस तरह से शांति के साथ आंदोलन कर सकता है। और बहुत कम उम्मीद थी कि ये जीत पाएंगे। बहुत कम। मैंने अपना पहला जो शो किया था तो उसमें ये बात कहा था कि ये किसान नाम के शब्द पे हमला है, या तो ये शब्द अब हमेशा के लिए बिना किसी मतलब का हो जाएगा, या फिर ये लोग साबित कर देंगे कि नहीं, अभी इसमें बहुत मतलब बचा है, किसान में इसमें बहुत जान बची है। तो वह उसमें काफ़ी मेरे संदेह थे, मुझे लगता नहीं था कि ये लोग उस सम्मान को बचा पाएंगे। मुझे लगता था कि जो इनकी ट्रेनिंग हुई है हिंदू मुस्लिम करने की, 4-6 महीने के बाद ये यही करेंगे। तो लेकिन इन्होंने नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी गोदी मीडिया को हरा देना। मीडिया के प्रति ये जागरूक हुए कि अगर मीडिया खिलाफ हो जाए तो आपके लिए सांस लेना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जब खिलाफी हो गया तो कोई बात नहीं, अभी संसार में हवा है, ऊपर वाले ने हवा दी है तो हम सांस वहां से लेते हैं, है कि नहीं। तो आपने सांसें वहां से ली और मीडिया को भी सिखा दिया कि क्या करना है, हालांकि वो सीखे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ जी, और मेरी ये बात लिख के रख लीजिए, इस देश का जो गोदी मीडिया है, इस लोकतंत्र को आपने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, फोकट में नहीं मिला है, उसकी रोज हत्या करता है। सर लोग तो